दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम आवास पर छत्तीसगढ़ चुनाव समिति की बैठक खत्म होते ही सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री कल दिल्ली में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशियों के नाम की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान से इन नामों पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है पितृपक्ष के बाद। कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। के मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। के मिश्रा के खिलाफ केबीसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। के मिश्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की पोस्ट को लेकर बीजेपी ने शिकायत की थी। केबीसी से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर की थी आपत्ति दर्ज। सीएम को बदनाम करने की क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई। सागर से खबर। चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक जलकर खाक हो गया। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। वाहनों का जाम लग गया इस घटना के बाद। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी है। देवरी और गौर झामर पुलिस मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। सागर नरसिंहपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया। और ट्रक में आग लगने से लंबा जाम लग गया सड़क पर। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आपके सामने। देवरी और गौर झामर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। घायल मजदूर जिला अस्पताल रेफर किए गए। ट्रैक्टर से खेत मजदूरों को लेकर जा रहा था किसान। किसान का पुत्र अमित पाटीदार, मजदूर अनिल और सजन की मौत हुई है। ग्राम कुआं से नंदगांव रोड स्थित खेत में जा रहे थे सभी। ठीकरी थाना क्षेत्र की घटना। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।